Hello students, so welcome to our new lecture that is velocity. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. So how do we define velocity? इससे पहले हमने क्या define किया था, इससे पहले का lecture speed के बारे में था. और speed में क्या हमने कहा था, कोई भी body कितनी तेज जा रही है और एक इंटरवल में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट? एक इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. सो अगर आप स्पीड की डेफिनेशन को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगेगी, ठीक है, कि एक इंटरवल में बॉडी या एक टाइम लिमिट में एक इंटरवल में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. बट देयर इज अ डिफरेंस, एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज कि उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, राइट? यानी कि बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, या सड़क पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, राइट? तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पे वो पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, सिंपल, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है? यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, स्पीड का मतलब सिंपली है पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, और वेलोसिटी में वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है? पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? तो यहां पे आपको बस डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट करना है या इसके साथ रखना है, ठीक है? यानी कि डायरेक्शन यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, या मैं अगर इसको कुछ डिफरेंट वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. वहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या पर्टिकुलर रोल था कि गाड़ी जो है, या सपोज हम जो चल रहे हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट? यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल के साथ साथ वहां पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट था. तो यहां पे कुछ उसी तरह का वही चीज जो है इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है? अब आप सोचेंगे लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल तो कुछ और था, डिस्प्लेसमेंट कुछ और था. देखिए, जब हम डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे थे, हमने एक और चीज कहा था कि अगर सपोज डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, कब इक्वल हो सकता है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो. सपोज हम यहां घर से निकले थे और दूध वाले की तरफ जा रहे थे और दूध वाले के पास पहुंचे, राइट? तो सपोज ये 100 meters था, राइट? ये 100 meters था, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 100 meters. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 meters, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 meters है, और यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट? तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं. जब तक हम एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. इसीलिए यहां पे इस डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर मैं इस बड़े से डेफिनेशन को सिंपल करना चाहूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो तो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डू यू अंडरस्टैंड? आई होप दिस एग्जाम्पल मेड इट क्लियर, ठीक है? अब आगे चलते हैं. अच्छा, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं. यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमने किससे डिनोट किया था, वी से, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम वी डैश या वी कैप या इसके ऊपर एक डैश लगा के हम इसको डिनोट कर सकते हैं. इससे क्या पता चलता है, जिस भी सिंबल के ऊपर आपको इस तरह का ये डैश दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो सिंबल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए दिया गया है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दिया गया है, राइट? जिस भी सिंबल के ऊपर आपको ये डैश दिखे, ये कैप या डैश जो भी है, जो भी जिस भी सिंबल के ऊपर आपको ये दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो किस क्वांटिटी के लिए दिया गया है. वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी डैश, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया है, एस के ऊपर डैश लगा के. मैंने फिर से आपको कह रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
या डिस्प्लेसमेंट कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाया गया है एस अपॉन एस के ऊपर क्या लगाया गया है डैश, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिए। एंड टाइम को हम टी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मुझे यही फॉर्मूला जो है सिंपल सिंपल से दिखानी हो तो मैं लिख सकता हूं वी के ऊपर डैश इज इक्वल टू एस के ऊपर डैश अपॉन टी, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको बस ये याद रखना है दिस इज डिस्प्लेस सॉरी वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है, तो अगर वेक्टर अपॉन टाइम कर रहे हैं, वेक्टर अपॉन स्केलर कर रहे हैं, तो आपको वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं यहां पे कि जो वेलोसिटी है ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से ये कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या है, बिल्कुल सेम है स्पीड की तरह, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको भी आप मीटर में ही मापोगे, राइट। चाहे डिस्टेंस ट्रेवल की इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कीजिए या डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए, दोनों है तो डिस्टेंस ही, राइट। तो मीटर से ही मापा जाएगा, तो इसका मतलब मीटर अपॉन टाइम के लिए सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड, तो या तो आप इसको मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखिए, या मीटर सेकेंड के ऊपर रेज पर माइनस वन, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। यानी कि ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का है वो स्पीड का ही है, यानी कि दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। तो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी की हमने देखा दो टाइप्स हैं, एक ही आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक है यूनिफॉर्म एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, फिर से वही बात सेम चीज, अगर आप हर एक इंटरवल में, ठीक है, सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वही 5 सेकेंड वाला रूल, आप 5 सेकेंड में सपोज 100 मीटर कवर कर रहे हो, राइट, 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो था यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अब वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, राइट। तो मैं कहूंगा कि अगर आप 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर कर रहे हो, सपोज इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये कर रहे हो, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हो, तो अगर अगले 5 सेकेंड में भी आप 100 मीटर कवर कर रहे हो और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके अगले इंटरवल में भी सपोज सेम कर रहे हो, अगले इंटरवल में भी सेम डिस्टेंस और सेम ही डायरेक्शन में आप भाग रहे हो, राइट, बात समझ आ रही है। यानी कि पहली चीज, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, आप हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, सिंपल, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर यू, ठीक है। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन पे चलते हो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट, यानी कि या मैं कहूंगा कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, या मैं कहूंगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, राइट। अब यहां से हमने तीन चीजें देखी कि पहला, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है, पहले इंटरवल, पहले 5 सेकंड वाले इंटरवल में आपने 100 मीटर कवर किया और नॉर्थ की डायरेक्शन में आप जा रहे थे, ठीक है, अगले 5 सेकंड में अगर फिर से आपने 100 मीटर किया, लेकिन सपोज आपने डायरेक्शन अब सपोज चेंज कर दी, नॉर्थ के बजाय अब आप ईस्ट में भाग रहे हो, लेकिन डिस्टेंस अभी भी इक्वल कवर कर रहे हो, यानी कि अभी भी आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन सेम नहीं रही, ठीक है, तो हम इसको यूनिफॉर्म नहीं मान सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया, ठीक,
ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड सेम रखी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहे हो लेकिन डायरेक्शन चेंज की, तब कहेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की सपोज, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं की यानी कि अगले 5 सेकंड में भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही भाग रहे थे, उसके अगले 5 सेकंड में भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन में ही भाग रहे थे, लेकिन इस वाले इंटरवल में आपने 100 के बजाय सपोज 90 मीटर्स कवर किए, और अगले वाले में सपोज आपने 110 क्यों ना कवर किए, तब भी यानी कि अगर आपकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड का मतलब क्या है, ठीक है, हर एक इंटरवल में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो यहां आप पहले इंटरवल में आपने 100 मीटर कवर किए थे, दूसरे इंटरवल में आपने 90 किए, यानी कि डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स में आपने अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया है, यानी कि स्पीड चेंज हो गई, तो अगर स्पीड चेंज हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। और अगर ये दोनों में से कोई भी चेंज किए या दोनों ही चेंज कर दिए, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और स्पीड भी चेंज कर दिया, तब तो आप वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहले ही घुस चुके हो, ठीक है, बात समझ आ रही है, चाहे इन दोनों में से कोई भी चेंज करो या दोनों चेंज कर दो, आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, या आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाई जाएगी। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, देखिए पहले क्या हम चेंज करेंगे, पहले हम सिर्फ स्पीड चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन को सेम रखेंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों में से एक को पहले चेंज करेंगे, ठीक है, और तीसरा था आपका बोथ, ठीक है, तो पहले स्पीड को चेंज करेंगे डायरेक्शन को नहीं, ठीक है, तो क्या लिखा, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड चेंज की डायरेक्शन को नहीं छेड़ा, अगर आप स्पीड चेंज करोगे डायरेक्शन सेम रखोगे तब भी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ओके। और द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, ठीक है, या आप क्या करोगे सपोज आप डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी को भी चेंज कर दोगे सपोज, ठीक है, इवन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि आप क्या आप करोगे सपोज स्पीड को रखा कॉन्स्टेंट, यानी कि स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो तब भी आप क्या कहलाओगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या सपोज आप स्पीड को भी चेंज करो, यानी कि स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन भी नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि बोथ दोनों आपने चेंज कर दिए, तब भी क्या होगा, तब भी आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाई जाएगी, और या सपोज वेरिएबल वेलोसिटी से आप चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से बहुत एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने कहा कि अगर हम स्पीड को चेंज ना करें, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है या और यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल आती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं हम उसको, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म, ये इसका एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अगर कोई बॉडी सपोज सर्कुलर मोशन में है, ऐसे गोल गोल, सपोज ये ट्रैक है अपना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रनर्स जो होते हैं ना, जो रनर्स होते हैं ओलंपिक्स में जो भागते हैं सपोज, तो वो इस तरह से ट्रैक उनका बना होता है और इस पे घूम रहे होते हैं, इस पे भाग रहे होते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड क्या है, स्पीड है यूनिफॉर्म या जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्शन क्या है, यहाँ डायरेक्शन यहाँ को है, यहाँ पे पहुँच गए तो डायरेक्शन यहाँ पहुँच गई, यहाँ को पहुँचे तो डायरेक्शन यहाँ को घूम गई, यहाँ पे पहुँचे तो डायरेक्शन यहाँ को घूम गई, क्योंकि वो एक सर्क्युलर ट्रैक पे है तो उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, या सपोज हम कह सकते हैं जिसमें स्पीड सेम है या कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है।